तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं अभी आर्ट ऑफ आर थ्री गेम नहीं खेल रहा हूँ, तो ये वीडियो गेम के बारे में ये थोड़ा सा रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपसे एक ऐप के बारे में बात करूँगा जिससे हम कुछ गूगल क्रेडिट्स यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ टाइम लगेगा लेकिन अर्न कर सकते हैं हम। और कितना अर्न कर सकते हैं और कौन सा ऐप है वो मैं सब दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें ऐप की, तो ये ऐप जो जिसका नाम है रिवॉर्ड्स, ये है, ये ऐप गूगल की तरफ से आता है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है मेरी गूगल प्ले क्रेडिट कितनी है, और यहाँ पे सर्वे के बारे में दिखाया गया है कि कोई भी सर्वे अवेलेबल नहीं है। तो ये ऐप बिल्कुल सिंपल सा है, आपको सिर्फ सर्वे का आंसर देना है। दो दो तीन मिनट भी नहीं लगेंगे यहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने, आपको कौन सा गूगल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसमें से कौन सा पसंद है, उसके बारे में रेटिंग क्या है आपकी। बस इतना सही होगा वहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो सिर्फ दो तीन ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे बस, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो देख लेते हो, और मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि अब तक मैंने इससे यहाँ पे कितनी गूगल प्ले क्रेडिट अर्न की है इस ऐप से। तो देख लेते हैं मेरे रिवॉर्ड हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे मैंने सिक्स, यहाँ पे 17 में की थी, यहाँ पे सिक्स मंथ में, यहाँ पे 2017 के सिक्स मंथ में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी तक ये ऐप यूज़ कर सकता हूँ, और टोटल अर्निंग यहाँ पे दिखा रहा है 291 क्रेडिट्स मैंने अर्न किए हैं यहाँ पे। उसमें से मैंने कुछ यूज़ किए हैं और कुछ ट्रांजेक्शन भी किए थे मैंने पहले गूगल अकाउंट से। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी मेरी गूगल पे लिए क्रेडिट है जो इतनी है यहाँ पे। तो ये सिर्फ गूगल पे क्रेडिट आपके अकाउंट में अभी कितनी है वो दिखाता है, और रिवॉर्ड हिस्ट्री में आप टोटल आपने कितना अर्न किया है ये दिखा रहा है। तो अगर हम बात करें गेम की, तो नॉर्मली अगर प्लेयर है तो कुछ प्लेयर्स यूज़ करते हैं मनी का, अपने कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आप यूज़ नहीं करते मनी का, बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो मेरे ख्याल से ये ऐप आपकी मदद कर सकता है। देखिए आप यहाँ पे, तो शुरुआत में मैंने सिक्स मंथ में इसे इंस्टॉल किया था, और सिक्स मंथ के बाद यहाँ पे सेवन मंथ के 15 यानी अबाउट वन मंथ में यहाँ पे 85 रुपीज़ से टोटल अर्न किए थे मैंने यहाँ पे। तो अगर स्टार्टर पैक ख़रीदना है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है ये, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और फिर भी आप मतलब सिर्फ गेम गेम को एंजॉय की तरह खेलते हैं, और अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है इस ऐप से, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब यहाँ पे 9 महीने यूज़ किया है मैंने और 291 मतलब करीब 300 रुपीज़ यहाँ पे अर्न किए हैं इतने क्रेडिट्स मैंने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में से एक मंथ पूरा हो, मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर मैंने यहाँ पे कितने हो गए थे मेरे यहाँ पे, ओके 8, तो देखिए 120 के आसपास हुए थे। बाद में ये सर्वे आना बिल्कुल बंद हो गया, 9th मंथ में 10 मंथ मिले और में बिल्कुल नहीं आया, और 12 मंथ के बाद फिर से शुरू हुआ यहाँ पे। तो शुरुआत में आपको बहुत से सर्विस मिलेंगे और आप अर्न कर पाएंगे थोड़ा 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 थोड़ा। तो आप बाय करना चाहते हैं कुछ पैक्स, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टर पैक की वैल्यू 80 या फिर 200 तक का भी हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम जाएगा उसमें। तो शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं आप इसे स्टार्टर पैक जैसे पैक्स के लिए, कुछ जो भी है जो 100 के कम में हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय गेम के। और बाकी कुछ तो है नहीं यहाँ पे, और भी काफ़ी रास्ते हैं अगर हम सर्च करें गूगल पे, लेकिन कोई मुझे यहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि कोई हम मुझे मिला हो। मैंने ट्राई किए थे पहले दूसरे कुछ ऐप्स भी, जहाँ पे हमें कुछ जो दूसरे ऐप इंस्टॉल करना है बाद में कुछ मिलता है, लेकिन कुछ मिला मतलब मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं ट्राई किया होगा, लेकिन इस एक ऐप से ही मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव मिला है यहाँ पे। तो यह है ये ऐप, और एक आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर बाय करना चाहते हैं कुछ पैक्स जिसकी कीमत है 100 से कम या फिर कुछ क्रेडिट्स, तो ये था ये ऐप। और इसके अलावा एक बात और कि शायद अभी 2-3 दिन तक मैं वीडियो ना रख पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे मोबाइल में यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप देख सकते हैं इस तरफ कॉर्नर में डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, और मुझे देना होगा यहाँ पे सर्विस में।
तो बाकी तो इस वीडियो में और क्या कहना था, और तो कुछ नहीं। यहाँ पे तो प्रोविडेंट पैक ले लिए तो आप इसका सोच नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 400 होती है डिस्काउंट के बाद भी। स्टार्टर की वैल्यू होती है 80 डिस्काउंट के बाद, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। फिर कुछ 100 वाले कुछ क्रेडिट्स हो या बाकी चीज़ें, तो 1 मंथ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाद में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बीच में तो कुछ मिला नहीं था मुझे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैंने इंस्टॉल कर दिया था, इंस्टॉल ही था ये पूरे वक्त मेरे मोबाइल में। मतलब पहले दूसरे फ़ोन में होगा, बाद में इस फ़ोन में लिया, लेकिन मैंने कोई गैप नहीं रखा था यहाँ पे, तो बीच में आना बंद हो गए थे, वापस आना शुरू हुआ। मतलब एक आध मंथ तक ट्राई कर सकते हैं आप, बाकी तो फिर देख लीजिएगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कुछ ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए।